नाज़रीन, डीडी उर्दू की जानिब से मैं डॉक्टर खुर्शीद आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि डीडी उर्दू की ये कोशिश है कि यूनानी क्लिनिक के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ यूनानी अतिब्बा से, मुख्तलिफ़ यूनानी एक्सपर्ट से अलग अलग मौजूआत पर, अलग अलग विषयों पर बातचीत करे, जिससे कि कौम और अवाम तिब यूनानी से इस्तफ़ादा हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू अपनी शुरू करें और किसी नए मौजू और किसी नए एक्सपर्ट से हम अपनी बातें जारी रखें, मैं आप तमाम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तादाद में देखा, और न सिर्फ देखा बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हमें अपने मशवरों से टेलीफ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए हमें बताया। उन सभी के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और कोशिश करिए कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखिए, दूरदर्शन की इस कोशिश की पजीराई करिए, उसकी प्रशंसा करिए, जिससे कि हम मुस्तकबिल में, भविष्य में कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए बनाते रहें। आज हमारी क्लिनिक में दूरदर्शन उर्दू की जानिब से डॉक्टर आयशा, जो जामिया हमदर्द में एक बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट हैं यूनानी की और एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, वो हमारे दरमियान हैं, और आज हम उनसे एक और ख़ास मौजू, जो बहुत ही अहम मौजू है ख़ास तौर से ख़वातीन की बीमारियों के ऊपर, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर आयशा साहिबा, आपका डीडी उर्दू की जानिब से बहुत इस्तकबाल है, बहुत खैर मकदम है। इससे पहले कि हम आपको अपनी मौजूआत पे थोड़ा आमंत्रित करें या जहमत दें, हम चाहेंगे कि आपका ये सफ़र तिब्बे यूनानी के कंसल्टेंट के हैसियत से कैसा रहा? थैंक यू डॉक्टर खुर्शीद। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि हाँ मैं आऊँ और अपने जो है ख्यालात का कुछ इजहार करूँ या कुछ करूँ। मैंने 87 में जो है वो मजीदिया हॉस्पिटल ज्वाइन किया था एज ए आर एम ओ इन गायनी डिपार्टमेंट, रेजिडेंट डॉक्टर के ऐसे रेजिडेंट हैसियत जी। डॉक्टर किया था, और 18 ईयर्स तक मैंने कंटिन्यूसली जो है वो गायनी में ही काम किया। उसके जी बाद मैं 6 ईयर्स तक जो है वो मेडिसिन में शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो गायनी में शिफ्ट हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि मेरा ये सफ़र जो है वो मेडिसिन और गायनी का एक मिक्सचर जो है सो वो रहा नाज़रीन, है। जैसा आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आयशा साहिबा, आयशा परवीन साहिबा का एक बहुत ही बड़ा तजर्बा है तकरीबन 32 सालों का, कि वो अमराज निस्वा या स्त्री रोग की बीमारियों से या स्त्री रोग से आने वाले मरीज़ों का इलाज बखूबी करती रहीं। उसी मौजू पे हम बात करने के लिए और उसी यूनानी नुक्ते नज़र पे बात करने के लिए आज हमारे दरमियान हैं। हमारा सवाल मैम आपके साथ ये है कि तिब्बे यूनानी एक बहुत ही मुकम्मल साइंस है, ज़मानों से इसका इस्तेमाल होता रहा है। ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि तिब्बे यूनानी अमराज निस्वा को या ख़वातीन की जो बीमारियां हैं, अखलात की परेशानियां, अखलात की जो हाँ डिरेलमेंट है या जो बॉडी ह्यूमर्स हैं उनका मिजाज और कैफियत में बदल जाना बीमारियों के असबाब में शामिल है, तो बिल्कुल क्या यो अमराज़े निस्वा से भी इसका रिश्ता है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। और बहुत सारी जो बीमारियाँ जो खास तौर से फीमेल्स जो हमारे यहाँ बताती हैं, ख़ास तो अगर मैं कहूँगी कि बहुत सारी अनमेरिड लड़कियाँ आती हैं तो वो डिसमिनूरिया के खास सिंपल बोलती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स वगैरह में, डिसमिनूरिया। दूसरा जो अगर मैरिड आती हैं तो फिर उनको अगर स्टेरिलिटी है, बाँझपन की बात बताती हैं, मेनोरेजिया उनको हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको पीरियड्स आ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो है वो हैं। कुछ को इतनी डिज़ायर्स है कि उसकी प्रेगनेंसी की, कुछ को बिल्कुल डिज़ायर नहीं है प्रेगनेंसी की। आपने तो ऐसा बहुत ही अहम मुद्दा, इस पे हम आपसे तफसील से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी एक ऐसा मामला है
जो सोशल टैबू ज़्यादा है, और आज के ज़माने में तालीम हासिल करने के बावजूद भी हम इस पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं अपने जहनों पे। इस पे मैं ज़ाहिर है कि बहुत तफसील से आपसे जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन सी बीमारियाँ हैं जिसके ज़्यादा मरीज़ आपके तबाबत में या आपकी कंसल्टेशन में आते हैं, ख़ासतौर से ख़ातून के। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरह से जैसे डिस्मेनोरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मेनोरेजिया वाला है, DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसका कोई कॉज नहीं होता है, कि उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं, स्टरलिटी के भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, और अब जो है वो पेरीमिनोपॉजल, जो जो मीनोपॉज जो होता है, उससे जो एक साल पहले का जो पीरियड जिसे हम पेरीमिनोपॉज कहते हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं फीमेल जो है ठीक तरह से कोप अप नहीं कर पाती हैं, तो उसके जो सिम्टम्स ना वो फीमेल को करवाती हैं ना उनके घर वाले उसको समझ पाते हैं कि उस लेडी के अंदर जो है ये सारे हार्मोनल चेंजेस उसके यहाँ उसके बॉडी में चल रहे हैं, तो उसके पेशेंट असल में हमारे यहाँ बहुत आते हैं पोस्ट मेनोपॉजल जो है वो। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ यूनानी मेडिसिन का, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि तिब्बी यूनानी का जो नुक्ते इलाज है, जो इलाज करने का तरीका है, उसमें सबसे पहले हम लोग ग़िज़ाओं पे बात करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर काउंसलिंग करें, बातचीत करें, तो हम मरीज़ों को इफ़ाका दे सकते हैं या उनको इलाज का एक आसान सा तरीका दे सकते हैं। तो जो आप अमराज बता रही हैं, जैसे डिसमनोरिया हो गया, ख़ास तौर से जो कुंवारी बच्चियाँ हैं या जो एडोल्सेंट की एज में बच्चियाँ हैं, तो उनको आप इलाज करती हैं ज़्यादा या आप काउंसलिंग करती हैं? देखिए डॉक्टर खुर्शीद, मेरा थोड़ा सा अभी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, और ख़ास तौर से आई एम इन कम्युनिटी मेडिसिन, तो मेरा थोड़ा सा तरीका इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। डिफरेंट इन द सेंस के मैं मेडिसिन बहुत कम देती हूँ, बहुत अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेडिसिन देती हूँ, अदरवाइज मैं मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। ठीक है, मेरी उनके साथ जो है वो प्रॉपर काउंसलिंग होती है, कि मैं उनको मेडिसिन नहीं बल्कि मैं उनको टाइम देती हूँ। टाइम देते हाँ, हैं, थोड़ा आज टाइम आज देती के हूँ। ज़माने में मुश्किल यही है कि डॉक्टर नहीं टाइम नहीं दे पा नहीं रहा है। अब एक बस जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक सिंपल एक डिसमिनोरिया का पेशेंट आता है, एक अनमेरिड लड़की है, उसको अगर वो कहती है कि उसको बहुत पेन होता है, मैं उसको कहूँगा ये दवाई खा लो, ये पेन किलर खा लो, ये मेरे पास बहुत सारे पेन किलर्स हैं, यूनानी में भी हैं देखा जाए बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं, मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, पेन किलर नहीं खाना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ एक आयरन और कैल्शियम लो तुम थोड़ा, और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को तुम थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ा दें। देखो तुम्हारा डिस्मिनोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करती नहीं हो। अच्छा, एक बात है, जरा सा अगर डॉक्टर ये कह देता है कि आपके पास आता है कि आप पानी कम पीते हैं, आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए, तो देखिए उसका असर भी पेशेंट्स के ऊपर ऐसा पड़ता है कि अगले दिन से ही या उसी दिन से वो जो पानी जो कम पीता है वो कहता नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला है कि पानी ज़्यादा पीना है, तो वो पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देता है, और आप देखिए कि पानी पीने से ही कितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्लैश आउट हो जाते निकल हैं। जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें थोड़ी सी टाइम और थोड़ा प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है किसी भी बीमारी को जो है वो का इलाज नाज़रीन करने से नाज़रीन, पहले। जैसा आप जानते हैं कि आपने देखा कि डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा ये बता रही हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो मेंस्ट्रुएशन में दाखिल हो रही हैं, उस उम्र में दाखिल हो रही है जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका शुरू होना है, तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ कई बार मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको वो मर्ज समझती हैं, और उनके घर वाले, उनकी माँ, उनकी बहन जो उनके साथ काउंसलिंग कर रही हैं, वो भी बीमारी ही समझती हैं। ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप पैनिक ना हो, ऐसे परेशान ना हो, बल्कि ज़रूरत है कि आप डॉक्टर आयशा जैसी जैसी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या ऐसे किसी तबीब के से रुजू करें जो आपसे बातचीत करके भी आपके मसाइल का हल ज़रूर फराहम करेगा। दूसरी दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि अमूमन हमारे समाज में जो ख़ास तौर से थोड़ा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में औरतों की बीमारियों में एक बहुत ही कॉमन शिकायत होती है वाइड डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा तफसील से बताने की कोशिश करें। देखिए फिर मैं वही बात आपको दोहराऊंगी कि वाइड डिस्चार्ज, कोई भी फीमेल अगर वो लिविंग है, अगर वो जिंदा है, तो वाइड डिस्चार्ज हर एक को होता है, नॉर्मल ये है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। नॉर्मल। नहीं, लेकिन अगर वो एक्सेसिव हो रहा है या उसके अंदर कोई स्मेल आ रही है या उसका कलर चेंज हुआ हुआ है,
तो इसका मतलब है समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ा अलग है। अब आपको यही पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको एक नॉर्मल चीज़ यही हो रही है वाई डिस्चार्ज, या पीरियड से पहले जो है वाई डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो अगर हम उनको यही बता दें कि नहीं, ये कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, अनलेस अनटिल के उसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं आ रही, या उसका कलर तो नहीं चेंज हुआ, या वो थिक एज वाइट डिस्चार्ज तो नहीं है, तो उसके बाद ही हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले कॉज जानना बहुत ज़रूरी है, वजह जानना ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा, हो सकता है कोई ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन वगैरह हो रहा। अब जैसे तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे हालात में ये नॉर्मल हो सकता है, तबई हो सकता है, इसका किसी मर्ज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कोई खातून ये नोटिस कर रही है कि जो वाइट डिस्चार्ज है उसकी रंगत में तब्दीली है, या फिर उसका जो विस्कासिटी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या क्या कॉमन बीमारियां हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं जो इस तब्दीली की वजह बन रही हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊंगी कि अगर मैरिड वुमेंस के अंदर ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सबसे कॉमन, बहुत ज़्यादा वो कॉमन है, सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है, बहुत उसकी वजह से जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो मैं यूनानी में भी इस तरह की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे इसको बासानी तौर पर आप जो है वो इसको ट्रीट कर सकते। पहले आप तो उनको ये बताना है कि आपको हाइजेनिक वे में जो है वो रहना है, ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छी तरह से वॉश वगैरह जो है वो सब करना है हाइजीनिक। और बहुत सारा ये होता है कि वो उनको सिर्फ यही बताना होता है कि आप सिर्फ जो है वो कॉटन के कपड़े आप पहनिए, सिंथेटिक कपड़ों से भी कभी कभी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह जो होता है। इवन इसमें जो है वो यूनानी में जो है बहुत सारी ऐसे पेसरीज हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हम इसकी बात करें एलोपैथी की, तो हम एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर कोई वेजाइनल पेसरीज वगैरह देते हैं। हमारे इधर यूनानी में भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखती हैं, और जो वेजाइनल पेसरीज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हैं, और उस के देने के बाद मैंने देखा है कि बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो इसमें लिक्योरिया में जो है वो आए हुए हैं। कुछ ऐसी प्रिपरेशंस का आप यूनानी का नाम बताएं जिससे कि मैं अपने नाजरीन को बावर करा दूं कि इनका इस्तेमाल कसरत से होता है हमारे यहाँ। देखिए वेजाइनल टैबलेट, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है कि नॉन स्पेसिफिक जो है वो हमारे सर्विसाइटिस होता है, जिसका कोई स्पेसिफिक रीज़न हमें कोई दिखाई नहीं देता, कॉज नहीं होता कुछ है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें वेजाइनल पेसरीज दे देते हैं। तो हमारे महबौल हमदर्द की है, वेजाइनल पेसरीज जो है वो हम जो है वो इंसर्ट करने के लिए बोल देते हैं रात में, और वो जो है वो रात भर में जो वो घुल जाती है, सुबह में जितना बची हुई वो निकल जाती है। तो और कहीं ना कहीं अगर इसको अर्के मको के साथ अगर हम देते हैं तो अर्के मको का जो इफेक्ट होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं से वो जो है वो लोकली इन्फ्लेमेशन जो है वो उसका जो है वो पूरा कर देती है। नाज़रीन जैसा डॉक्टर साहब ने अर्ज किया, मको तिब्बे यूनानी का एक बहुत ही अहम मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अहम मेडिसिनल प्लांट, और उसका इस्तेमाल जिगर की बीमारियों में, सूजन कम करने की बीमारियों में, इन्फेक्शंस में बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी के प्रिपरेशंस ऐसी हैं जो मकामी तौर पे या लोकल तौर पे पेसरीज के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि नॉन स्पेसिफिक जो वाइट डिस्चार्ज के कारण हैं, उसके वजूहात हैं, उनसे इजाला मिल सकता है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ख़ुद से तबाबत करने से बेहतर है कि किसी माहिर के पास, किसी यूनानी तबीब के पास जाएं। जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जदीद तरीक़े इलाज के अलावा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, कहीं पर भी आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उसके माहिर से ज़रूर रابطہ कायम करें। आपने अपने मौजू में एक बातचीत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बांझपन, स्टेरिलिटी, जो मुझे लगता है कि बहुत उस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमूमन ये एक सोशल टैबू है। शादी के बाद एक खातून को अगर वलादत नहीं हो रही, अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसका सोशियो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा क्लियर करिए कि स्टेरिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, जिससे कि वो सिर्फ खातून को या औरतों को ही दोष न दे समाज।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने जो है डॉक्टर खुर्शीद जो है वो क्वेश्चन किया है। पहले तो ये कि जैसे शादी हुई और 1 साल के बाद ही जो है वो उनकी इन मदर लॉ और ये वगैरह लेके आना चाहती हैं, आती हैं कि हाँ, इसको जो है वारिस वो चाहिए। हाँ, वारिस वारिस चाहिए। चाहिए। तो हाँ मैं ये कहूँगी का जो है वेट करते हैं, शादी के बाद 3 साल तक अगर कोई इशू नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो हम आगे फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या है कॉज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 साल का वक्फा तो हम देते हैं ऐसे ही कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद ही फ़ौरन ही जो है वो स्टरिलिटी मान जाए और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, ये खाओ वो खाओ, नहीं ऐसा नहीं, नहीं समाज में है। हालत ये है कि अगर 1 साल शादी के हुआ तो मतलब ना सिर्फ मायके वाले बच्ची बिल्कुल के बल्कि ससुराल वाले जैसे मतलब इस कदर ताना और समाजी तौर पे अजियत देते हैं, नफसियाती तौर पे ये कई बार खुदकुशी तक की नौबत आती है, मैंने देखा बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल। समाज और में। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और आपको तो मालूम है कि जैसे देखिए जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का क्या काम होता है, पिट्यूटरी से है ना उसका जी काम, जी जी गोनोडोट्रॉफिन को जो है वो ब्लॉक कर देती है जी खाली। जी जी तो ये सारा साइकोलॉजिकल उसको इतना ट्रॉमा होता है कि अब उसको अगर प्रेगनेंसी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि सीडो प्रेगनेंसी मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी, हाँ, स्यूडोसाइसिस। सीडोसाइसिस जिसको कहते हैं, उसमें सारे सिम्टम्स ऐसे ही हो जाते हैं, उसमें एब्डोमेन भी बड़ा हो जाएगा, उसमें पीरियड्स भी आने बंद हो जाएंगे, उसको पेशेंट को वोमिटिंग्स भी, मॉर्निंग सिकनेस भी, जो जो आते हैं वो होते हैं, और प्रेगनेंसी नहीं होती है। नहीं होती है। इसका मतलब है कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको इतना ज़्यादा, उसको ज़्यादा वो इतनी डिजायर है उस चीज़ की कि उसमें सारे ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आनी तो स्टार्ट हो जाती ये हैं। सिर्फ खातून की बीमारियां या उसके नकायस की वजह से तो नहीं जरूरी है, मर्दों के अंदर भी तो कोई इस तरह की गैर तबई कैफियत होगी या कोई डिजीज्ड कंडीशन होगा। बिल्कुल मैं चाहता हूं बिल्कुल कि नाजरीन को बहुत ही वाज़े तौर पे क्लियर कर दें कि सिर्फ खातून की ही गलती से उनके यहाँ जो वली अहद है या जो मुस्तकबिल में कोई बच्ची या बच्चा पैदा हो रहा है वो सिर्फ और औरत की ही जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमारे नाज़रीन को ज़रा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि अगर जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसको अकेले नहीं बात करनी है, आपको उसके हस्बैंड, अगर उसकी मदर लॉ आती है तो उसके सामने बैठ के आपको उसकी काउंसलिंग करनी है कि देखिए आप परेशान मत होइए, ये 3 साल इसको ऐसे ही जीने दीजिए, कम से कम आप 3 3 साल तक साल तो तो कम वेट से कम। करिए, हाँ, तीन उसके साल बाद अगर कोई बाद में कुछ आता है कुछ है, अच्छा ठीक है, अब वो 3 साल हो गए उनको नहीं प्रेगनेंसी हुई है कुछ है, तो आप उसका क्यों स्टरिलिटी हुई है उसका कॉज जानने की कोशिश करिए, जी आप उसकी वजह जानने की कोशिश करिए कि किसकी वजह से हुआ है। हो सकता है वो थायराइड की वजह से होगा, हो जी सकता है ओबेसिटी की वजह से हुआ, हो सकता है आजकल ये जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज का जो है बहुत पीसीओडीज तो अक्सर, बहुत बहुत है। अक्सर। हाँ और मैं बताऊं डॉक्टर खुर्शीद के पीसीओडीज का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है, डायरेक्ट जो है उसका कनेक्शन होता है, वो सीधा लाइफस्टाइल से होता है। खैर अगर आप लाइफस्टाइल अपना सही करेंगे तो आप जो है वो पीसीओडीज से कहीं ना कहीं बच सकते हो। तो हो सकता है थायराइड हो सकता है डायबिटीज़ हो, तो सबसे पहले आपको जो है वो कॉज जानना है कि किस वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये क्या जो वजह है। पॉलिसिस्टिक ओवरी है क्या ये स्टेरिलिटी के अहम असबाब में आती? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। और जब ये आजकल इतनी यंग लड़कियां हैं तो उनको जब ये लेके आती हैं कि हाँ उनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं दवाइयाँ इतना मत खाओ, ये जो तुम्हारा टाइम है कि तुम रात के 2-2 बजे सो रहे हो और रात के सुबह के जो है वो 9-10 बजे उठ रहे हो, या तुम जंक खा रहे हो, तो मतलब आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। अच्छा एक्सरसाइज को तो बिल्कुल भी एकदम जो कहते हैं ना तर्क कर तर्क चुका कर है चुके हैं कि नौजवानों ने, उसको बिल्कुल नहीं है। कुछ कोई करना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो एटलीस्ट आप एक्सरसाइज का हर चीज़ के ऊपर, आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से जो सेरोटोनिन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज होता है रिलीज होता और है। आपकी बॉडी को वो चुस्त रखेगा, सही रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, आपके जॉइंट्स को सही करेगा। तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरत है कि नहीं इसकी मेडिसिन नहीं है, तुमने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। अच्छा इसके साथ साथ ये है कि इतनी यंग लड़कियां आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि उनको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा के नहीं, उनको बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन हो रही है, उनको गैस्ट्राइटिस हो रहा है। अच्छा उनको जब भी मैं पूरा उनको से पूछती हूँ उनका रूटीन कि क्या काम करते हो, किस तरह से हो, कब जो है डिनर करते हो, मतलब आप यकीन मानिए कि 90% पेशेंट जो मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि वो 10 बजे के बाद जो है वो डिनर करते हैं। हाँ उसमें जो है वो बहुत सारी जो होम मेकर्स भी हैं जो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती हैं कि नहीं वो हस्बैंड ड्यूटी से आएगा तो उसके साथ जो है हम करेंगे। अब आप
देखिए कि अगर आपने 10 बजे खाना खाया, उसको डाइजेशन के लिए कम से कम 4 घंटे जो है वो ज़रूरी होते हैं, 4 आवर्स ज़रूरी होते हैं। 10 बजे खाना खाया, 11 बजे 11:30 बजे आप सो जा रहे हो, तो गैस्ट्राइटिस तो होगा, गैस फॉर्मेशन तो होगी। तो सिर्फ उनको सिंपली ये बताना है कि भाई आप जो है वो डिनर जो है वो जल्दी करिए, 7:30-8 के बीच में करिए, आप बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ना करिए आप जो है वो, और लाइट डिनर करिए आप। ना, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आपको डॉक्टर आयशा सीधे ख़िताब कर रही हैं, उनके कुछ मशवरे हैं जो यंग बच्चियों के या नौजवान ख़वातीन को सुन लेना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों को अगर उनके मशवरे पे वो चलें तो उससे वो दूर रह सकती हैं। डॉक्टर आयशा, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन से आप सीधे बात करिए और उनको अपने नेक मशवरे दीजिए। देखिए, जो आजकल हमने अपना ज़िंदगी का जो हाल बना रखा है वो उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। यंग यंग लड़कियां आती हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, उनका पोस्चर ऐसा है, वो रात में भी लेट लेट रही हैं, मोबाइल उनके हाथ में रहता है, देर से उठ रही हैं, जंक इतना ज़्यादा खा रही हैं कि घर का खाना जो है अवॉइड कर रही हैं। अच्छा, खाने का भी कोई टाइम नहीं है कि किस टाइम खा रही हैं। पानी पीना जो है वो अवॉइड करती हैं, कहीं उनको कहीं जाना है वर्किंग प्लेस पे कि नहीं, पानी अगर ज़्यादा पियेंगे तो एक ये है कि कहीं उनको बाथरूम वगैरह ना जाना पड़े या कुछ है। तो मैं आपको सिर्फ ये मशवरा देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमारे हाथ में हैं, वो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल आप अपना चेंज करेंगे। लाइफस्टाइल में आप अपना जो है वो ग़िज़ा का, एक एक्सरसाइज का, ये बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, उसको कहीं ना कहीं आप जो है वो अपना के वो बहुत सारी बीमारियों को जो है वो, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या हो रही है आजकल, आपको पता है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सिर्फ किस लिए हो रही है, लाइफस्टाइल किस लिए हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी अपना लाइफस्टाइल अपने हाथों से जो है वो कहीं ख़राब कर रखा है। आप डॉक्टर आयशा का मशवरा मानिए, हमारी घरों में बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, जो बहुत सारे अगर इनके मशवरों पे चलें तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकती हैं, क्योंकि इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिवेंशन। अपने आप को हिफ्ज़ मातकद्दम या प्रिवेंटिव मेज़र्स के ज़रिए हम मामूल को सही कर लें, बहुत सारी चीज़ों से हम बचे रह जाएंगे। हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं कि ये जो बांझपन का एक समाजी पहलू हमें समझ में आया, कुछ ऑर्गेनिक एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी आप बता रही हैं, वो एक वजह है। एक वजह है कि मर्द के अंदर ही कोई नुक्स है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे समाज में एक अजीब सा वो है कि जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो माहिरीन हैं उनको बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है। जगह जगह आप पोस्टर देखेंगे, बैनर देखेंगे कि निसंतान लोग मिलें या लिखें, जैसे कि वो दावा कर रहे हैं, ख़ासतौर से यूनानी अतिब्बा हकीम और वैद जी ये दावा करते हुए अखबारों में भी छपते हैं, जो एक क्राइम है, जो क्राइम है वो करते हैं। या फिर आप रेलवे ट्रैक पे जाइए तो लिखा रहता है निसंतान लोग मिलें। तो ऐसे डॉक्टर, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि क्या ये सही है या वाकई तिब्बे यूनानी या आयुर्वेदा जैसे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्टेरिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करने की के तरीके या दवाइयां मौजूद हैं। देखिए, अगर अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो आप कहाँ से उसको प्रेग्नेंट कर देंगे, आप मुझे ये बताइए, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले कॉज मालूम करना जरूरी है, वजह क्या है, किसकी वजह। हो सकता है उसके कोई ट्यूब दोनों ब्लॉक हो रही हो, उसको हो सकता है कोई सीवियर इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर अभी उसको जो है वो थायराइड बहुत बड़ा कॉमन बड़ी वजह है, चीज़ है कि वो शायद उसको कोई थायराइड हो रहा हो। तो मैं जब भी पेशेंट आता है मेरे पास स्टेरिलिटी के लिए, तो मैं उसको सारी इन्वेस्टिगेशन के आप ना साइंटिफिक पैरामीटर से चलिए ना, आप ये, क्योंकि आप ये कैसे कह देंगे कि हाँ मैं बिल्कुल दावा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। समाज में ये चल रहा है, नहीं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं, आप साइंटिफिक पैरामीटर देखिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मेडिसिन है, जब आपको सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन, आपको थायराइड, अब उसका जो है शुगर लेवल और अल्ट्रासाउंड हर चीज करा लेंगे, उसके साथ साथ आप उसके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी कराइए, मर्द का भी एनालिसिस जरूरी होना है। हस्बैंड बिल्कुल राजी नहीं होते इस चीज के लिए कराने के लिए, और उसको कहिए कि अगली बार मैं आपको देखूंगी नहीं जब तक ये सीमेन एनालिसिस का जो है वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं होगी। हो सकता है उसका सारी
हर चीज़ ठीक हो और उसका हस्बैंड को ओजोस्पर्मिया या कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो, ओलिगोस्पर्मिया हो रहा हो, तो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हो। तो अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए कंसेप्शन हो गया, तो हमने देखा कि कुछ यूनानी में ऐसी दवाएं हैं बड़ी कारगर जो प्लांटेशन के या प्लेसेंटेशन को बहुत ही स्टेबलाइज करने में मदद देती हैं, आप इससे इत्तेफाक करती हैं क्या? क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं और मेरे अभी ज़िंदगी में दो मेरे ऐसे पेशेंट आए हैं स्टेलिटी वाले। जी जी। पहले मैंने उनका सारा साइंटिफिक सारा पैरामीटर देख लिया कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ट्यूब ब्लॉकेज, हस्बैंड सीमेन ठीक तो नहीं है, थायराइड प्रोफाइल, डायबिटीज़ वगैरह, सारा कुछ देखने के बाद फिर मैंने उनका अपना यूनानी ट्रीटमेंट और सिर्फ मैंने उनको खाली हब्बे रहम और माजून मकवी रहम दो चीज़। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कौन से ज़माने में, कौन से महीने में, कौन से में ठहरती है, जैसे ओवुलेशन पीरियड जो है वो कब होता है, ठीक है? तो उनको ये जरूर बताना है कि भाई जो सेफ पीरियड 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर पीरियड जो है सेफ पीरियड होता है, इसमें प्रेगनेंसी जो है वो नहीं ठहर सकती है, उसके बाद का जो पीरियड है उसमें ही आपको जो है वो हस्बैंड से रابطہ कायम करना है। तो उनको ये तो पता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ओवुलेशन पीरियड कब होता है, कौन से जो पीरियड ज़माने में है जो है वो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हम उनको ये सब कुछ बताना है। अब वो यकीन मानिएगा कि वो दोनों पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी हो गई उन दोनों को, और दोनों ही जो है वो बहुत खुश थी। चलिए देखिए नाज़रीन, आपको आपने सुना डॉक्टर आयशा साहिबा अपनी पूरी तफसील से हम लोगों से बातचीत कर रही थी, नाज़रीन को उन मौजूआत पर इत्तला दे रही थी जिसके बहुत सारे कन्फ्यूजन समाज में हैं। ख़ास तौर से मैं डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेबाकी से ख़ास तौर से स्टेरिलिटी या बांझपन जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मौजू पर अपनी गुफ्तगू को या अपनी बातचीत से हमारे नाज़रीन को मुफीद मशवरे दिए। नाज़रीन, ये डीडी उर्दू की ये कोशिश रहेगी हमेशा से कि वो आपको अलग अलग मौजूआत तिब, अलग अलग यूनानी एक्सपर्ट से अलग अग मौजूआत पर कुछ ना कुछ इत्तलात ज़रूर देते रहेंगे। नाज़रीन से मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होने का शुबा हो तो बग़ैर किसी यूनानी माहिर के ख़ुद से इलाज न करें, जैसे कि डॉक्टर आयशा साहिबा ने बांझपन पे एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की जिसमें ज़्यादातर जो पहलू है वो समाजियात का और नफ्सियात का है, उसके बाद तीसरा किसी आर्गन के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है, डिबिलिटी हो सकती है, ख्वाह हो मर्द के अंदर भी हो या औरत के अंदर भी हो, वो दोनों वजूहात हो सकती हैं बांझपन की। सो आप अपने समाज में इसको, इस मौजू पर बेदारी लाएं जिससे कि कोई एक खातून जो बांझपन के ताने सह रही है उसको कम से कम नफ्सियाती और समाजी अजियत से बचाया जा सके। इसी के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा का दिल की गहराइयों से डीडी उर्दू की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी लोगों से ये वादा करता हूं कि हम मुस्तकबिल करीब में किसी और माहिर तिब से, माहिर यूनानी से आपकी बातचीत कराएँगे। बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।